नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 8वीं की, हमारा अतीत थर्ड के बारे में। ये इस बुक का पहला भाग है, ठीक है। इसमें हम लोग 6 अध्याय अभी तक खत्म कर चुके हैं, ये आपका 7वां अध्याय है। इसमें बात करेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो अच्छे से धैर्य के साथ सुनिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी गई है और एक कहानी का रूप दिया गया है, ठीक है। और आप भी इसे कहानी की तरह ही देखिए। पहले के अध्यायों में आप देख चुके हैं कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के राजाओं, नवाबों, किसानों और आदिवासियों पर किस किस तरह के प्रभाव पड़े थे। इस अध्याय में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि इन चीजों से विद्यार्थियों के जीवन पर क्या असर पड़े। विद्यार्थियों को जीवन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत में अंग्रेज केवल भूक्षेत्र पर विजय और आय पर नियंत्रण ही नहीं चाहते थे। उन्हें लगता था कि उनका एक सांस्कृतिक मिशन भी है। वे मानते थे कि उन्हें देसी समाज को सभ्य बनाना है और उनके रीति रिवाजों, मूल मान्यताओं को बदलना है। इसके लिए कौन कौन से बदलाव लाए जाने थे? भारतीयों को शिक्षित, सभ्य और अंग्रेजों की सोच के मुताबिक अच्छी प्रजा बनाने के लिए कौन से कदम उठाए जाने थे? अंग्रेजों के पास इन सवालों के कोई बने बनाए जवाब नहीं थे। इन सवालों पर कई दशक तक बहस चलती रही। भाषाविद, एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं का जानकार और विद्यार्थी होता है, क्या कहलाता है? भाषाविद। बात करते हैं अंग्रेज शिक्षा को किस तरह देखते थे। आइए सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 सालों में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों में ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, इस बारे में अंग्रेजों के विचार किस तरह विकसित हुए कि भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाए। विलियम जोन्स फारसी भाषा सीख रहे हैं, देख लीजिए। प्राच्यवाद की परंपरा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज का के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर होने के साथ साथ जॉन्स एक भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लेटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। कलकत्ता में आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियां, उनकी व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञान की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन शुरू कर दिया। जॉन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता में तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियां रखते थे। हेनरी टॉमस कॉलब्रुक और नेथेनियल हॉल हेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे। प्राचीन भारतीय विरासत को समझने के प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जॉन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया और एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का विकासन भी शुरू किया। देख लीजिए, हेनरी टॉमस क्रॉप वह संस्कृत तथा हिंदुत्व के प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के विद्वान थे। हेनरी टॉमस कॉलब्रुक, जॉन्स और कॉलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह का रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों ही प्राचीन संस्कृतियों के प्रति गहरा आदर भाव रखते थे। उनका मानना था कि भारतीय सभ्यता
प्राचीन काल में अपने वैभव के साथ के शिखर पर थी, परंतु बाद में उसका पतन हो चला था। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को खोजना व समझना बहुत जरूरी था। उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है, और इन रचनाओं के पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। इस तरह जॉन्स और कॉलब्रुक दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजों को भारतीय संस्कृति से सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपनी विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक और मालिक दोनों ही भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों को पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन देना चाहिए। वे चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का यह भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हैं और जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा ना दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर की उम्मीद कर सकते हैं। मदरसा, सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है, या किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई और भी संस्थान हो सकता है। तो याद रखिए, मदरसा आपका अरबी भाषा का शब्द है। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में आपका एक मदरसा खोला गया। 1791 में 91 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहाँ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके, देश का शासन चलाने में मदद मिले। परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों से सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे। बोरिंग हेस्टन का स्मारक, रिचर्ड बेस्टमाकोट 1830 अब कलकत्ता स्थित विक्टोरिया मेमोरियल में रखा हुआ है। इस तस्वीर से पता चलता है कि भारत में ब्रिटिश सत्ता के बारे में प्राच्यवादी किस तरह सोचते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर हेस्टिंग की भव्य प्रतिमा जो प्राच्यवादियों के भारी समर्थक थे, इसके एक तरफ पंडित और दूसरी तरफ नीचे बैठा हुआ मुंशी दिखाई दे रहा है। हेस्टिंग तथा अन्य प्राच्यवादी भारतीय विद्वानों ने से विभिन्न भारतीय भाषाएं सीखना चाहते थे, जिन्हें वह कई बार केवल बोलियां समझते और वर्नाकुलर का नाम देते थे। स्थानीय रीति रिवाजों और कानून के बारे में जानना चाहते थे। प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद और व्याख्या में मदद चाहते थे। हेस्टिंग ने पहल करके कलकत्ता मदरसे की स्थापना की और उनका विश्वास था कि यहाँ के प्राचीन रीति रिवाज और यहाँ की ज्ञान संपदा ये भारत में ब्रिटिश शासन के आधार होने चाहिए। प्राच्यवादी, एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग आपके प्राच्यवादी होते थे। मुंशी, ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना वो पढ़ाना जानता हो, मुंशी कहलाता था। वर्नाकुलर, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता। भारत जैसे उपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोजमर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं, साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फर्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते थे।
आगे बात करते हैं हम लोग पूरब की जघन्य गलतियां। 19वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे। उनका कहना था कि पूर्वी समाजों का ज्ञान त्रुटियों से भरा हुआ और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य आगंभीर और सतही था। इसके लिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजों को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए। राष्ट्रवादी पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। आपके जो राष्ट्रवादी वादियों के जो आलोचक थे उनमें कौन? जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देशी जनता को खुश करने और उनका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी और व्यवहारिक चीजों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाज के काव्य और धार्मिक साहित्य की बजाय ये पढ़ाया जाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल कर ली। 1830 के दशक तक राष्ट्रवादियों का विरोध और तीखा हो गया। थॉमस बेविंगटन मैकॉले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकॉले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड की प्रगति के समकक्ष नहीं है। मैकॉले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही अरब की समूचे देश देशी साहित्य के बराबर। उनका तर्क था कि भारत में ब्रिटिश सरकार को राष्ट्रवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। गहन ऊर्जा और आवेश पूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की जरूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीयों को दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाना, उनकी रुचियों मूल्यों और संस्कृति को बदलने का रास्ता हो सकता है। देखिए थॉमस बेगिंगटन मैकॉले और उनका अध्ययन कक्ष। मैकॉले के मिनट्स विवरण के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। एक फैसला भी लिया गया कि अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए। कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसे प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप क्षरण का शिकार होते जा रहे अंधकार के मंदिरों की संख्या दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्यपुस्तकें छपने लगी। ज्ञानियों की भाषा। अंग्रेजी पढ़ाने की जरूरत पर जोर देते हुए मैकाले ने यह कहा था, सभी पक्ष इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि भारत के देसी लोगों द्वारा आमतौर पर बोली जाने वाली बोलियों में ना तो साहित्यिक जानकारियां होती हैं ना ही वैज्ञानिक। इसके अलावा ये बोलियां इतनी दरिद्र और रूखी हैं कि अगर किसी औसरों से उनका समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी मूल्यवान कृति को उनमें अनुवाद भी नहीं किया जा सकता है। थॉमस बेविंगटन मैकॉले भारतीय शिक्षा के विषय में 2 फरवरी 1835 के मिनट्स में दिया गया वक्तव्य। बात करते हैं व्यवसाय के लिए शिक्षा। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स बुड के नाम से जारी किए गए इस संदेश को बुड का नीति पत्र यानी कि बुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि राष्ट्रवादी
ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलेगी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली से अवगत कराया गया तो उनकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा। ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीजों को अपनाना और खरीदना शुरू कर देंगे। आगे बात करते हैं हम लोग बुड बुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा, इससे वे ज्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे। फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेज के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पड़ा था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता है, ना ही शासन के लिए आवश्यक निपुणता पैदा कर सकता है। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके। विश्वविद्यालयी शिक्षा की व्यवस्था विकसित करने के लिए भी कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में विद्रोह सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसी समय कलकत्ता, मद्रास और बंबई विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही थी। स्कूली शिक्षा में प्रणाली में परिवर्तन के प्रयास भी किए गए। इसे देख लेते हैं यूरोपीय ज्ञान के पक्ष में एक तर्क। 1854 के बोर्ड की नीति पत्र में प्राच्यवादी ज्ञान का विरोध करने वालों की निर्णायक विजय का संकेतक था। इसमें कहा गया कि हम जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि भारत में हम जिस शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं, उस शिक्षा का लक्ष्य यूरोप की श्रेष्ठतर कलाओं, सेवाओं, दर्शन और साहित्य यानी कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है। ये आपका 19वीं सदी में बंबई विश्वविद्यालय। नैतिक शिक्षा की मांग। 19वीं सदी में भारत में सक्रिय ईसाई प्रचारकों ने व्यवहारिक शिक्षा के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों का घोर विरोध किया। विचारकों का मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य लोगों के नैतिक चरित्र में सुधार लाना होता है और नैतिकता उद्धान केवल ईसाई शिक्षा के जरिए संभव है। 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में विचारक गतिविधियों के विरोध कंपनी को भय था कि विचारकों की गतिविधियों की वजह से स्थानीय जनता के बीच असंतोष पैदा होगा। लोग भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति को शक की नजर से देखने लगेंगे। ब्रिटिश नियंत्रण वाले बहुत क्षेत्रों में अपनी संस्थाएं ना खोल पाने की वजह से विचारकों में अंततः सेरामपुर में अपना मिशन खोला। यह इलाके डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आता था। वर्ष 1800 में एक छापाखाना लगाया गया और 1818 में एक कॉलेज खोला गया। 19वीं सदी के दौरान पूरे भारत में विचारक स्कूल खोले गए, परंतु 1857 के बाद भारत की ब्रिटिश सरकार विचारक शिक्षा को प्रत्यक्ष सहायता देने में आनाकानी करने लगी। सरकार को लगता था कि स्थानीय रीति रिवाजों, व्यवहारों, मूल मान्यताओं और धार्मिक विचारों से किसी भी तरह की छेड़छाड़ देसी लोगों को भड़का सकती है। ये आपका स्कॉटलैंड के ईसाई विचारक विलियम केरे, जिसने सेराम को मिशन की स्थापना में मदद की थी। देखिए आगे चलते हैं हम लोग। ये आपका कलकत्ता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित सेरामपुर कॉलेज। बात करते हैं स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ। क्या आपको कुछ अंदाजा है कि अंग्रेजों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाती भी थे या नहीं?
और अगर स्कूल जाते थे तो ब्रिटिश सरकार के तहत उनका क्या हुआ? विलियम एडम की एक रिपोर्ट। 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह दिलचस्प थी। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार में 1 लाख से 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी, यानी कि 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएं संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। कई पाठशालाएं स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफी लचीला था। आज आप जिन चीजों की स्कूलों में से उम्मीद करते हैं उनमें से कुछ चीजें उस समय की पाठशालाओं में भी मौजूद थी। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें नहीं होती थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच और कुर्सियां नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई भी इंतजाम नहीं होता। सालाना इम्तिहान, नियमित समय सारिणी जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ पाठशालाएं बरगद की छाव में ही चलती थी, तो कई गांव की दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। अमीरों को ज्यादा, गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक मौखिक होती थी। क्या पढ़ाना है यह बात विद्यार्थियों की जरूरत को देखते हुए गुरु ही तय करते थे। विद्यार्थियों को अलग अलग कक्षाओं में नहीं बिठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। आपने देखा होगा अगर आप लोग ग्रामीण क्षेत्र हैं, बरगद के नीचे या फिर किसी पेड़ के नीचे या इस तरह के कोई मंदिर में कई बार क्लासें देखी होंगी। गांव में इस तरह, ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की क्लासें अधिकतर चलती थी। अभी कुछ ही सालों से बदलाव हुआ है गांव की तरफ। तो गांव में अभी भी पुरानी संस्कृति बहुत बसी हुई है। अभी भी आप तो देखो बड़ी मिलजुल के रहते हैं गांव वाले। अच्छा है, मिलजुल के रहना चाहिए। देख लीजिए, एक ग्रामीण पाठशाला या फ्रांसवा सॉल्विन नामक डच पेंटर द्वारा बनाए गए चित्र है। फ्रांसवा 18वीं सदी के आखिर में भारत आए थे। अपने चित्रों में उन्होंने लोगों के दैनिक जीवन को दर्शाने का प्रयास किया है। आगे बात करते हैं। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी क्योंकि उस समय गाँव के बच्चे प्रयास खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। अब बात करते हैं नई दिनचर्या, नई नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का फैसला लिया। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किए जा सकते हैं। कंपनी एक नई दिनचर्या, नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को और व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके लिए क्या किया जा सकता था, कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित को 4 से 5 स्कूल की देखरेख का जिम्मा सौंपा गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना, वहां के अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारिणी के अनुसार बढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा।
विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जानी लगी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियमों का पालन करें। नए नियमों पर चलने वाले पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थीं, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने की बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता प्राप्त नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ने लगे। नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारिणी काफी लचीली होती थी। नई व्यवस्था की अनुशासन की मांग थी। बच्चे नियमित रूप से स्कूल आए। अब कटाई के मौसम में भी बच्चों का स्कूल में आना जरूरी था, जबकि उस समय गरीब घरों के बच्चे खेतों में काम करने जाया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी कि बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता। देख लीजिए चित्र, अरविंद अरविंदो घोष। अरविंद घोष ने 15 जनवरी 1908 को बम्बई यानी कि मुंबई में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहित्यिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होना चाहिए ताकि यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंदो ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सके। बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा की कार्यसूची के बारे में। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों के बहुत सारे विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलाव से प्रभावित हो कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। उन्होंने अंग्रेजों से आह्वान किया कि वे नए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय खोलें तथा शिक्षा पर ज्यादा पैसा खर्च करें। इस दिशा में कुछ प्रयास के बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ेंगे। बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर इसी तरह के लोगों में से थे। आइए देखते हैं उनका कहना क्या था इस पर। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे और अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा में विष भरा है, यह पापपूर्ण है और इसने भारतीयों को दास बना दिया। इसने लोगों पर प्रभाव डाला। उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाले हर चीज की प्रशंसा करने वाले इन संस्थाओं में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगी थी। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षकर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थाओं को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वे गुलाम बने रहने के लिए तैयार नहीं हैं।
महात्मा गांधी की दृढ़ता दृढ़ मानता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उसने उन्हें अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया है और उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने के तौर तरीके भूल चुके हैं। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर भी जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं होती। इसके लिए तो लोगों को हाथ से हाथ हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं और यह जानना पड़ता है कि विभिन्न चीजें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। इस चित्र को देख लीजिए, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हैं 1940 में। साक्षरता ही शिक्षा नहीं है, महात्मा गांधी ने लिखा था। शिक्षा से मेरा मतलब इस बात से है कि बालक और मनुष्य के देह, मस्तिष्क और भावना के श्रेष्ठ तत्वों को सामने लाया जाए। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है ना ही उसकी शुरुआत। यह तो केवल एक साधन है जिसके जरिए पुरुषों और महिलाओं को शिक्षा दी जा सकती है। साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं होती है, लिहाजा मैं बच्चों को शिक्षित करते हुए सबसे पहले उन्हें कोई उपयोगी हस्तकौशल सिखाऊंगा और उन्हें शुरू से ही कुछ रचने पैदा करने के लिए तैयार करूंगा। मेरा मानना है कि दिमाग और आत्मा का सर्वोच्च विकास इस तरह की शिक्षा में ही संभव है। प्रत्येक हस्तकौशल आज की तरह केवल यांत्रिक ढंग से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। यानी बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया के क्यों और किस लिए का पता होना चाहिए। द कलेक्टेड बक्स ऑफ गांधी, महात्मा गांधी, खंड 72 से पृष्ठ 79 से आपका लिया गया पैराग्राफ। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था से आमूल तौर पर भिन्न हो। शांति निकेतन में एक कक्षा चल रही है 1930 का दशक, देखिए इसी तरह से तो चलती थी ग्रामीण में पहले। अभी अभी तो पता नहीं, अगर आपके यहाँ चलती हो तो बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र का नाम। अब तो बंद हो गई, लेकिन 2004-5 के करीब तो चलती थी इस तरह की कक्षाएं। टैगोर का शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी, शांति निकेतन। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने से बहुत चिढ़ते थे, वहां उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मनचाहा कभी नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता। कलकत्ता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों से ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रहें, जहां वे मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह लोगों द्वारा स्थापित की शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासित शासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चों को समझते हो,
और उनके अंदर उत्सुकता जानने की चाह विकसित करने में मदद ने। टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूल बच्चे की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देते हैं। टैगोर साहब का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरी यानी कि शांति निकेतन दिखाई दी, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कामोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकियों की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत, नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा पर भी जोर दिया। इस प्रकार बहुत सारे लोग इस बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इसी व्यवस्था को इस तरह फैलाया जाए कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले। इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो एक विकल्पीय व्यवस्था चाहते थे, ताकि लोगों को सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी आपकी जारी रही। कोयम्बटूर के एक विचारक स्कूल में खेल रहे बच्चे 20वीं सदी का प्रारंभ। 19वीं सदी के मध्य तक ईसाई विचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। देखिए ये बच्चियां सब करने के लिए शिक्षा। 1870 में शिक्षा अधिनियम लागू होने तक आमतौर पर पूरी आबादी के लिए व्यापक शिक्षा व्यवस्था नहीं थी। बाल मजदूरी बहुत बड़े पैमाने पर थी, इसलिए गरीब अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। परिवार चलाने के लिए उनकी आय महत्वपूर्ण थी। स्कूल भी बहुत कम थे। ज्यादातर स्कूल चर्च या रईसों द्वारा स्थापित किए गए थे। शिक्षा अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने नए नए स्कूल खोलने शुरू किए और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। टॉमस आर्नोल्ड उस दौर के सबसे महत्वपूर्ण शैक्षणिक विचारकों में से एक थे। वह रग्बी नामक प्राइवेट स्कूल के मुख्य अध्यापक थे। माध्यमिक स्कूल की पाठ्यचर्या में 2000 साल पुराने ग्रीक और रोमन शास्त्रीय कृतियों के विस्तृत अध्ययन की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा, क्या कहा? मुझे हमेशा ऐसा प्रतीत हुआ है कि हमारे अंग्रेजी स्कूलों में जो अध्ययन क्रम अपनाया जाता है, उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे दिमाग को लगातार अतीत के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। हर रोज हम भाषाओं, इतिहास और कुछ साल पहले या हजारों साल पहले के विचारों को पढ़ते हैं। आर्नोल्ड का मानना था कि शास्त्रीय कृतियों के अध्ययन से दिमाग अनुशासित होता है। वास्तव में उस काल के ज्यादातर शिक्षाविदों को की मानता था कि इस तरह का अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं। उन्हें नियंत्रित करना आवश्यक है। सभ्य वयस्क के रूप में विकसित होने के लिए उन्हें मालूम होना चाहिए कि समाज में सही और गलत क्या है और उचित और अनुचित आचरण क्या होता है। शिक्षा खासतौर से बच्चों के दिमाग को अनुशासित करने वाली शिक्षा का मकसद उन्हें इसी मार्ग पर आगे ले जाना था। क्या आप बता सकते हैं कि इस तरह के विचारों से ने इंग्लैंड में गरीबों उपनिवेशों में देसी जनता के कि शिक्षा से संबंधित सोच किस तरह प्रभावित की है? याद रखिए, आपका अब तो आपका शिक्षा का अधिकार भी आ चुका है। क्या आ चुका है? शिक्षा का अधिकार।
आपका अनुच्छेद जो 21 है, 21 ए में जोड़ा गया, 21 में ए जोड़ा गया, ठीक है। ये आपका 2002 में आया, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, इसमें तो अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया। क्या किया गया, 6 वर्ष से 18, 6 वर्ष से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। और याद रखिए, इस जो आपका निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू कर दिया गया। ये आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए, न लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, टेलीग्राम पर डली हुई है। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी खत्म होती जा रही है सभी की पीडीएफ हम टेलीग्राम पर डाल देते हैं, वहाँ से डाउनलोड करके रख लीजिए, जिससे कभी ज़रूरत पड़े तो पढ़ लेना उसे। तो ये था आपका 7वां चैप्टर। 8वें चैप्टर में बात करेंगे हम लोग महिलाएं, जाति एवं सुधार के बारे में।